हेलो बच्चों, मैं नेहा सैन फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 3 का काव्य घूमना तीसरा पाठ रसखान। रसखान के बारे में आप सभी जानते हैं, रसखान अर्थात रस की खान। बच्चों, रसखान जी जो थे जाति से मुसलमान थे, लेकिन मुस्लिम होने के बावजूद भी उनका मन कृष्ण भक्ति में इतना लीन था कि शायद ही कोई ऐसा भक्त कभी होगा जिन्होंने इनके अनुसार उनका वर्णन किया होगा। बच्चों, इनके बारे में एक कथा भी कही जाती है कि एक बार ये पान की मुस्लिम जो होते हैं मोस्टली पान खाने के शौकीन होते हैं। तो होता क्या है, एक बार ये पान की दुकान पर पान खाने लगे। तो जहां पर ये पान खाने जाते हैं वहां पर जो पान वाला होता है उसके पीछे कृष्ण जी के बाल छवि यानी कि उनके बाल रूप का एक पोस्टर लगा हुआ होता है, उनका एक चित्र लगा हुआ होता है। तो वो पूरा सर से लेके पैर तक उनका चित्र होता है। रसखान जी वहां पे पान खाते खाते अचानक उनकी नजर जब उस चित्र पे जाती है तो वो उनके चित्र को निहारते रह जाते हैं। इतनी सुंदर छवि उन्होंने शहर में किसी बालक की देखी हो, तो उनकी छवि उनकी आंखों में रम जाती है। जब वो ऊपर से नीचे तक उनका विश्लेषण करते हैं तो वो पाते हैं कि उनके पैर जिनमें जूतियां नहीं है उनको बहुत अजीब लगता है कि इतना सुंदर बालक और इतनी पथरीली भूमि पर ये बैठा है, खड़ा है, इसके पैरों में जूते नहीं है, इसकी चोट लग गई। तो वो पान वाले से कहते हैं कि इतना सुंदर बालक है, इसने पैरों में कुछ पहन के नहीं रखा। तो उसको व्यंग्य करते हैं कि अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप इसके जूते बनाकर ले आइए, आप पहना लीजिए। तो उनको ये बात लग जाती है, वो घर जाते हैं। घर जाकर के वो उसी बालक के नाम का जो श्री कृष्ण की बाल छवि होती है उस बाल छवि के अनुसार ही वो उनके जूते बना करके लाते हैं। जूतियां बना करके अगले दिन जब वो लेकर के दुकान पर पहुंचते हैं तो वो पान वाले से कहते हैं कि बताओ मुझे बालक कहाँ मिलेगा, मैं इसको ये जूतियां पहनाऊं। तो पान वाला कहते हैं कि भाई मुझे तो नहीं पता ये बालक कहाँ रहता है, तुम खुद पता कर लो, उसे दिया हो। तो जब उनको संतुष्टि नहीं मिलती, उनको उत्तर से मतलब पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो जूतियों को लेकर के उन बाल छवि कृष्ण की जो फोटो होती है, जो मूर्ति फोटो होता है, पोस्टर होता है, उसको लेकर के वो वहां से रवाना होते हैं। और रास्ते में जहां जहां मतलब उनको पता लगता है कि वो पता बता सकता है तो पूरी मतलब उस जगह पे सब जगह वो ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो बालक नहीं मिलता। फिर उन्हें कोई बताता है कि तुम्हें ये बालक तो ब्रज भूमि में मिलेगा। तो वो जूतियां और वो पोस्टर दोनों चीजें लेकर के ब्रज भूमि में जाते हैं। ब्रज भूमि में भी वो सारा दिन बहुत महीने हो जाते हैं उनको ढूंढते हैं, पर वो बालक नहीं मिलता है। अचानक एक दिन उन्हें पता पड़ता है कि इसी मंदिर का, श्रीनाथ जी के मंदिर का पता ही बताया जाता है कि आपको ये जो बाल छवि है, ये भगवान कृष्ण की जो फोटो है, चित्र है, ये आपको श्रीनाथ जी के मंदिर में मिलेंगे। तो वो जूतियां और वो चित्र लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं। वो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं उन्हें वहां के पंडित रोक देते हैं कि आप मुसलमान हो, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो। जब ऐसा व्यवहार उनका देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा व्यथित होते हैं और वही बाहर मंदिर के बाहर वो बैठ जाते हैं जहां से भगवान की छवि उन्हें दिखाई देती है। तो जब वो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, उन्हें सुबह से शाम हो जाती है मंदिर के बाहर बैठे बैठे, रात होती है, रात को उनकी आंख लग जाती है, थोड़े से नींद में हो जाते हैं वो। तो जब वो नींद में होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसी रूप में वो वहां पर आते हैं जिस रूप में उनको जो बाल छवि उनकी पोस्टर में देखी थी ना, उन्होंने चित्र में देखी थी, उसी छवि में वो कृष्ण वहां आते हैं। और उन्होंने उनको जगाते हैं, रसखान जी को कहते हैं कि तुम मेरे लिए जो जूतियां लाए हो वो मुझे पहना दो, मैं वो जूतियां पहनने के लिए आ गया हूँ। तो भगवान को जब वो देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, उन्हें इतनी खुशी होती है कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उनके नेत्रों में जल छलछला जाता है और इस प्रकार उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, वो उन्हें जूतियां पहनाते हैं। तो जब उन्हें जूतियां पहनाने लगते हैं तो वो देखते हैं उनके पैरों में खून आ रहा है, कटीली झाड़ियां लगी हुई है, कंकड़ पत्थर चुभे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान से कहते हैं, श्री कृष्ण से और रसखान कहते हैं कि आप मेरे लिए पैदल चल के आए हो, आप कुछ पहन के क्यों नहीं आए और इस बाल रूप में ही क्यों आए। तो उन्होंने उसे कहा कि आपने मुझे जिस रूप में बधाया था, आपने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था और आपने जो छवि अपने नेत्रों में मेरे लिए बसा रखी है, मैं उसी छवि को ध्यान में रखते हुए आपके पास आया हूँ। तो बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि रसखान जी मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रत्येक चीज, आप देखो उनका मुकुट है, उनकी लाठी है, उनकी कमरिया है, उनके जो कंबल है, उन सब के ऊपर उन्होंने सारे के सारे संसार को निछावर, तीनों लोगों को निछावर कर सकते हैं, इतना प्रेम था उनका इनके प्रति। और श्रीनाथ जी ने इन्हें स्वयं दर्शन दिए थे, ये बात भी जगत विख्यात है। चलो देखते हैं इनके बारे में। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम खान था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा
मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा सके। बच्चों विट्ठल नाथ जी कौन थे? वल्लभाचार्य जी के बेटे थे जिन्होंने अष्टछाप की नींव रखी थी, अष्टछाप जिसमें सूरदास प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1628 के लगभग हुई, प्रमाणित नहीं है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं थी रसखान जी की, और ये उनकी उपलब्ध ग्रंथियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। इनकी जितनी भी रचनाएं उनका समस्त रचनाओं का जो संकलन है वो किस नाम से मिलता है? रसखान रचनावली के नाम से मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति। बच्चों इनकी इच्छा थी कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो उसी ब्रजभूमि में मनुष्य बनूं, अगर मैं कोई पशु बनूं तो नंद बाबा की गाय बनूं, अगर मैं पक्षी बनूं तो वही ब्रजभूमि का पक्षी बनूं जो वहाँ के वृक्ष है, कदम के वृक्ष है उनके ऊपर बैठ के गायन करते हैं, अगर मैं गोपी बनूं तो वही उस ब्रजभूमि की गोपी बनूं, अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत का पर्वत बनूं जिसे भगवान ने अपनी उंगली से धारण किया था। इनके मन इनके दिल की इच्छा है। तो ये कह रहे हैं न केवल अनुराग की बल्कि कृष्ण के प्रति इनका, कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा की अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। शब्दों के माध्यम से जो मायावल बिछाया जाता है वो इनके शब्दों में बिल्कुल नहीं है, इसमें प्रसाद गुण है अर्थात आप उनको पढ़ के ही समझ सकते हो। और आपके जो सवैये है, जो मैं आपको छंद के बारे में बताती हूँ बीच बीच में, छंद क्या होते हैं, ये काव्य में जो हम पद पढ़ते हैं उन पदों में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया जाता है या वो किस जिस लय में लिखे जाते हैं, जिस शैली में लिखे जाते हैं वो चीज होती है। तो इससे पहले हमने वाक पढ़े थे धरंधर के, तो वाक भी काव्य की शैली छंद का एक प्रकार था। उससे पहले हमने कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे और ये है इनके सवैये, ठीक है। तो सवैया भी छंद होता है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में या तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वह स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विशेषता का वर्णन है। चलो देखते हैं तो पहला वाला जो सवैया है इसके अंदर मैंने आपको भी बताया था कि रसखान की दिल की इच्छा है, उसकी ख्वाहिश, उसकी मनोकामना है कि अगर मानुष हो तो वही रसखानी बसो मृत गोकुल गांव के धाम, कि अगर भगवान मुझे मनुष्य जन्म दे, अगर भगवान मुझे मनुष्य योनि में जन्म दे तो मुझे वही बसने वही उसी धरती का मनुष्य बनाए जहाँ ब्रज गोकुल गांव के द्वारा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गांव में गोपियों के साथ या ग्वालों के साथ में रहते थे, तो मुझे उन्हीं ग्वालों के जैसा कोई मनुष्य बनाना ताकि मैं वहां की भूमि पर रहकर उनके साथ में लीलाएं कर सकूं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो चलो नित नंद गांव की धीनु मंझारन, कि अगर आप मुझे पशु बनाओ तो मुझे वही का पशु बनाना, मुझे नंद बाबा की गाय बनाना ताकि मैं वहां भूमि पर चलकर विचरण कर सकूं। अर्थात जो पशु हो तो कहां बस मेरो, अगर आप मुझे पशु बनाना चाहते हो तो चलो नित नंद गांव की धीनु मंझारन, तो उन्हीं बाबा नंद की गांव में गायों में से कोई एक गाय बनाना जिनका जिनको चराने का कार्य किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने किया था। पाहन हो तो वही गिरी को जो हरी छत्र पुरंदर धारण, कि अगर पाहन मतलब होता है पत्थर, अगर मैं इसको पत्थर बनाऊ मुझे पाषाण बनाओ तो मुझे उसी पर्वत का गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे हरी छत्र जिन्होंने जिसे भगवान हरि ने छत्र यानी छाते के रूप में धारण किया था पुरंदर को, पुरंदर यानी इंद्र को हराने के लिए। बच्चों इसकी भी एक कथा है कि गोकुलवासी जो थे ब्रजवासी जो थे वो हर साल गोवर्धन जी के मतलब जो इंद्र भगवान थे वर्षा के लिए उनकी पूजा किया करते थे, उनका मतलब हवन करना, यज्ञ करना, गायों के दूध से पूजन करना, तो सारे हर तरह की पूजा पाठ वहां किया करते थे भगवान इंद्र के लिए।
जब भगवान कृष्ण को ये मालूम चला, वो थोड़े समझदार हुए, जो बच्चे थे बच्चे से थोड़े समझदार हुए, तो वो कहते हैं कि आप इंद्र भगवान की पूजा क्यों करते हो। तो उन्हें नंद बाबा ने बताया कि इंद्र भगवान अच्छी वर्षा करें इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अगर वो वर्षा करेंगे तो हमारे खेतों में फसल होगी, और फसल होगी तो हमारे गाय भी चलेंगे अच्छे, वो अच्छा दूध देंगी, तो इसलिए हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र भगवान का तो ये कर्तव्य है कि वो वर्षा करें और जीवन जो प्राणी है उनको सुखी करें, ये उनका कर्तव्य है। इसके लिए उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य के कर्तव्य होते हैं या किसी भी व्यक्ति की जो कर्तव्य है उसका पालन उसे करना चाहिए। तो जब उन नंद बाबा को ये बात थोड़ी ठीक लगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम इंद्र भगवान की पूजा नहीं करेंगे, आप ही बताओ किसकी पूजा करें। बोले अगर आपको पूजा ही करनी है तो इस गोवर्धन पर्वत की करो, जिससे हमें हमारी गायों के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है, हमें रहने के लिए लकड़ी से हम घर बनाते हैं वो मिलती है, चूल्हा जलाने के लिए ईंधन मिलता है, तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। जब कृष्ण की बात मानकर नंद बाबा के गाँव के लोग सबके साथ गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, तो उस समय इंद्र क्रोधित हो जाता है, उसे पता पड़ता है कि मेरी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, तो वो रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के इतनी वर्षा करते हैं कि पूरा का पूरा गांव पानी में डूब जाता है। तो उस मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कलश जो छुपी हुई होती है इसके ऊपर धारण करते हैं और सारे गांव वालों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान की यही इच्छा है कि अगर मैं पत्थर बनू तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनू जिससे भगवान कृष्ण ने अपनी भूमि पर धारण किया था। जो हो तो बसेर करो मिले कालन निकुल कदम की डाली, अगर मुझे पक्षी बनाना चाहो तो उसी कदम की डाल पर बसने वाले पक्षी पक्षी के समान बनाना, या वही पक्षी बनाना जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिन प्रतिदिन निहारता रहता था, उनकी लीलाओं में भाग लेता था, कदम की डालियों के ऊपर बैठ करके वो श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा करता था। ठीक है, दूसरा है, अब पहले वाले में तो उनकी ख्वाहिश थी, उनकी इच्छा थी कि वो क्या चाहते हैं। अब दूसरे वाले समय के अंदर जो स्थान है, इन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करा, उस सौंदर्य के ऊपर ये क्या क्या वार करते, क्या क्या न्यौछावर कर सकते, वो सब इसमें इन्होंने बताया है। या लकुटी अरु कामरिया पर गाढ़ तुम पर कोट नजी डालो, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लकुटी, जो लंगोटी होती है उसे लंगोटी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लंगोटी और कामरिया, कामरिया यानी कम्बल के ऊपर तीनों लोगों पर राज्य न्यौछावर कर सकता हूँ। तीनों लोग स्वर्ग पाताल और धरती, पृथ्वी लोग स्वर्ग लोग और पाताल, तीनों लोगों का सुख न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि नवो निधि, आठों सिद्धियां जो सिद्धियां कितनी होती है आठ और निधियां होती है नौ, के सुख इनके सुखों को नंद की गाय चराए सालो, अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं उस अवसर के मात्र के लिए ही आठों सिद्धियां और नौ निधियों को न्यौछावर कर सकता हूँ। रसधान कबो इन आखिर सो ब्रज के बन बाप तड़ाग निहारो, कि मैं कब मैं मुझे अवसर कब प्राप्त होगा, मुझे सौभाग्य कब प्राप्त होगा, जब मैं अपनी आंखों से उन ब्रज के वनों को बागों को और सरोवरों को निहार सकूंगा जहाँ पर श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। ठीक है, कौटिक एकल धौत के धाम करीर की कुंजन ऊपर वालों, कौटिक यानी करोड़ों, कल धौत यानी कि सोने से बने हुए और धाम यानी कि महल। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि अगर मुझे जो कांटेदार झाड़ियां होती है कदीर की कुंजन कहा जाता है, वहां पे छोटी छोटी झाड़ियां भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य थी, तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं उन झाड़ियों के लिए करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ अगर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण की लंगोटी या कम्बलिया यानी कम्बलिया मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। अगर मुझे भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी गाय चराने का अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं उसके ऊपर आठों सिद्धियां और नौ निधियों को कुर्बान कर सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। पता नहीं मेरी आंखों के सौभाग्य कब प्राप्त होगा, जब मैं ब्रज के वनों बगीचों और वहां के सरोवरों को निहार सकूंगा, और अगर ऐसा होता है तो मैं करोड़ों सोने के धामों को सोने के महलों को उसके ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो रसखान है वो एक गोपी के माध्यम से अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं भगवान श्री कृष्ण के वो सारे अभिनय करने के
दिया कि जो वो करते हैं, लेकिन मुझे एक बार अवसर तो प्राप्त हो। और यहाँ पर उन्होंने उनकी जो मुरली है उनको सौदन बताया है अपनी, उनको जो गोपी है वो कह रही है कि जितना समय भगवान अपनी मुरली के साथ में व्यतीत करते हैं उतना ही समय उन्हें हमारे साथ में व्यतीत करना चाहिए, तो हमें आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन हमारे साथ तो भगवान कम समय व्यतीत करते हैं और उस मुरली के साथ में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। देखो कैसे मोर पंख सिर ऊपर रखी हूँ, वो कह रही है कि मोर के पंख को सिर के ऊपर लगा दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में क्या है, मोर पंख है, तो कह रही है भगवान कि मैं मोर पंख को अपने सिर पर लगा दूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज यानी जो वन की माला है, जो वन की वन माला है उसको मैं अपने गले में धारण करूंगी। और पीतम्बर लय लकुटीपन कि मैं पीतांबर ओढ़ के, भगवान श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़ते हैं यानी पीले रंग का वस्त्र ओढ़ते हैं, कि मैं पीला रंग वस्त्र ओढ़ करके लकड़ी यानी लकड़ी लेकर के बहुत वाहन संग फिरूंगी, गायों को लेकर के ग्वालों के साथ में वन वन फिरूंगी। अर्थात मैं जिस प्रकार श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ जाते हैं, ऐसे ही मैं भी ग्वाला बन करके भगवान श्री कृष्ण की गायों को चराऊंगी, लकड़ी लेकर के पीला वस्त्र धारण करके मैं उन ग्वालों के साथ में गायों को चराने जाऊंगी और वनों में विचरण करूंगी। भाग तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे के हिसाब करूंगी, कि मेरा मन ये कहता है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा अभिनय करने के लिए तैयार हूँ। यानी आप एक बार निर्देश तो करो, आप एक बार आदेश तो करो, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आप जैसा कहोगे वैसा अभिनय करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरली घर की अधमान भरी अधमान अधूरी। अब यहाँ पर इनकी क्या व्याख्या हुई है कि ये मुरली जिसे मुरली घर धारण करते हैं, यानी वो मुरली जिसे श्री कृष्ण ने धारण कर रखा है, जिसे अपने होंठ नीचे का जो होंठ होता है अभिमान कहते हैं, तो जिस मुरली को उन्होंने नीचे वाले होंठ पे धारण कर रखा है उस मुरली को मैं अपने अधर पर नहीं धरूंगी। अर्थात जिस रस का पान भगवान श्री कृष्ण ने अपने नीचे के होंठ से कराया, अर्थात जिस होंठ पे वो मुरली बजाया करते हैं, उसी मुरली को मैं अपने होंठों पर कभी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि ये क्या है, हमारी सौतन है, क्योंकि ज्यादा समय ये इसी के साथ व्यतीत करते हैं और हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हमें बिल्कुल सहन नहीं होता कि हमारे इसका स्थान हम ले। ठीक है, लास्ट देखते हैं। कानन ने अंगुरी रही को जब है मुरली ध्वनि मंद बजी। अब यहाँ पर जो गोपियां हैं वो इतनी मतलब बेबस हो जाती है, इतनी लाचार हो जाती है श्री कृष्ण की मुरली की तान सुन करके कि उनका अपने ऊपर बस नहीं रहता, वो इतनी मतलब लाचार होकर के इतनी हो जाती है कि घर वालों की बात उन्हें समझ में नहीं आती है, और श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनते ही बहुत लाचार होकर के उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाती है। देखो कैसे कानन ने अंगुरी रही को कि हम कानों में उंगली डालकर रह जाएंगे, बंद कर लेंगे कानों, जब है मुरली ध्वनि मंद बजेगी, जब भी हमें मुरली की मधुर तान सुनाई देगी हम अपने कानों में उंगली दे देंगे, हम अपने कानों को बंद कर लेंगे ताकि हम उसकी ध्वनि सुनाई न दे। मोहनी कानन सो रसानी अटाचड़ी को दल रही तथ्य कि जैसे ये उन्होंने कहा गोपियों ने कि हम जब भी मुरली की आवाज सुनेंगे तो अपने कानों में उंगली देकर के कानों को बंद कर देंगे ताकि वो तान हमारे कानों में ना सुनाई दे। लेकिन होता क्या है, जैसे मुरली की आवाज आती है मोहनी कान रसो रसवानी, जैसे ही मुरली की मनोहर तान कानों में आने लगती है, कानों में बजने लगती है, वैसे ही अटाचड़ी गोपियां छत पर चल जाती है। गोधन गहन गए हैं और वो एक लोक गीत होता है, गोधन गायों के लिए गाया जाता है, ग्वालों के लिए गाया जाता है, उस गीत को गाने लग जाती है। जहाँ उन्हें मना किया जा रहा था कि आप उनका जो गीत है उनकी मुरली की जो तान है वो नहीं सुनोगी, तो वो कहते हैं कि हाँ हम अपने कानों में उंगली डाल देंगे और बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मुरली की आवाज आती है, जैसे ही मुरली की तान सुनाई देती है, वो अपने आप को लाचार समझती है और वो छत पर चढ़ जाती है, छत पर चढ़ करके गीत गाने लगती है। पेड़ कहो से गिरे ब्रज लोग निकाल ही कहो कितना समझाओ, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि कल ही इसको कितना समझाया था, लेकिन इसके एक भी नहीं लगी, ब्रज के लोगों ने उसे इतना समझाया गोपी को लेकिन उसके एक भी नहीं लगी। माए देवा मुख की मुस्कानी समारी न जय है न जय है न जय है। अब वो गोपी कहती है कि माई मैं क्या करूं, भगवान श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान इतनी सुंदर है, उनकी छवि इतनी प्यारी है, इतनी मनमोहक है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाती है और पाएंगी। यहाँ पे तीन जय में जय आया है, तो पहले वाले का भूतकाल के लिए, दूसरा वाला वर्तमान के लिए और तीसरा वाला भविष्यकाल के लिए। तो
एक गोपी है जिसे उसके घर वालों ने मना किया था, ब्रज के लोगों ने मना किया था कि तुझे भगवान जो कृष्ण है उसकी मुरली की तरफ ध्यान नहीं देना है, उसकी जो तान सुनाई देगी उसकी तरफ बिल्कुल नहीं सोचना है। लेकिन होता क्या है, वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं मेरे कानों में उंगली डालूंगी, उसकी धुन बिल्कुल नहीं सुनूंगी। लेकिन जैसे ही मुरली की ध्वनि सुनाई देती है वो विवश हो जाती है, और विवश होकर के वो तान जैसे ही उसके कानों में पड़ती है वो झुकपट झुक जाती है, छुप पे जाके गीत गाने लगती है। जब आसपास के लोग उसे देखते हैं तो उसे टोकते हैं कि तुझे कल ही समझाया था कि ऐसा मत करना, लेकिन फिर भी तूने ऐसा करा। तो वो उत्तर देती है कि मैं क्या करूँ, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति इतनी मनोहर है, उनके मुख की मुस्कान इतनी मोहित करने वाली कि हम अपने आप को ना तो संभाल पाती थी ना पाती है और ना पाएंगी। तो इस प्रकार राजस्थान ने इनकी सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने यह राजस्थान जी के काव्य को पूरा कर लिया। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।